यूं तो सरकार गरीबों के स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सही मायने में किसे मिल रहा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन कौशाम्बी में एक ऐसा अस्पताल है जहां लोगों को प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 215 गरीब असहाय मरीजों का सफल इलाज किया जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी की कसिया में स्थित नवजीवन अस्पताल की। यहाँ अब तक 25 से अधिक गरीब परिवार का इलाज किया जा चुका है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ मरीजों को टेस्ट कराने के लिए भी कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आधुनिक तकनीकी मशीनें भी इस अस्पताल में पहले से मौजूद है। मान लो 100 रुपया कहीं बाहर लगता है तो 10% वहाँ इलाज जो है 10 रुपये में हो जाता है, लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था और सब व्यवस्था जो भी है वो बढ़िया है। पर हफ्ते में रोज प्रतिदिन ओपीडी रहती है और कभी भी इमरजेंसी कोई भी केस होता है तो तुरंत हम लोग वहाँ पर इमरजेंसी में भी पहुँच जाते हैं। बहुत इसमें लगभग आराम से यहाँ पर अभी 200-250 के करीब कवर कर लिया है अपन ने और लगभग हर कोई पेशेंट सेटिस्फाइड है यहाँ पर। नवजीवन अस्पताल के संचालक और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य के मुताबिक इस अस्पताल में हर गरीब के लिए हमेशा सरकारी योजना में इलाज को प्राथमिकता दी जाती है। वासियों के लिए सबसे अच्छी योजना है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना आई है, जिसमें किसी भी तरह के ऑपरेशन, उसमें 1300 ऑपरेशन दिए गए हैं, वो सारी जो है भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है। और सभी क्षेत्रवासियों से हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक आएँ और प्रधानमंत्री जी और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लें। अब तक 300 से अधिक मरीज उनके अस्पताल में इलाज करा चुके हैं। इस मौके पर योगेश मौर्य ने कौशाम्बी वासियों को पीएम मोदी और सीएम योगी की हेल्थ का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। कौशाम्बी से ईटीवी भारत के लिए सतेंद्र खरे की रिपोर्ट।